वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास फोनिक्स का जो है वो बाइक का हेडलाइट जो है वो है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 45/40 वाट। ठीक है, तो इसको जो है हमारे पास ये जो TVS रेडियन है इसके अंदर हम लोग लगाने वाले हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पहले से जो बल्ब है। ठीक है, एक सेकेंड, पहले से जो बल्ब है आपको दिख रहा होगा, क्लियर करके दिखा दे रहे हैं हम। इसके अंदर जो बल्ब आता है वो आपको हाँ दिख रहा होगा शायद से 35/35 वाट का, हाँ आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर जो बल्ब आता है 35/35 का आता है, तो इसके अंदर जो है हम लोग अभी 45/40 का बल्ब इंस्टॉल करने वाले हैं। तो देखेंगे इसकी जो लाइट है वो किस तरह से आएगी। यहाँ पे जो 45/40 है इसका मतलब 45 वाट इसका जो है वो हाई बीम के लिए और 40 वाट जो है वो लो बीम के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोनिक्स का है, ब्राइट आई 90% एक्स्ट्रा लाइट करके जो है ये आता है। ठीक है, पीछे आप देख पा रहे हैं, इसके आगे देख पाए ये जो है जो भी है पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जो है वो जुलाई 2022 का मैन्युफैक्चरिंग है। MRP जो है 200 है, पर ये मुझे 170 रुपीज़ में मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ मार्केट में कितनी प्राइस है। ठीक है, काफ़ी अच्छे इसके रिव्यू मैंने देखे, तब जाकर के मैंने सोचा कि चलो इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि इसका रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से क्या आता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम इसको अच्छे से नाइट में भी जो है वो इसका जो थ्रो वगैरह हम सब चेक करके आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखाएंगे। आपको भी जो है वो इसको अपने बाइक में इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं, इस पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ से इसका जो है वो फ्रंट बोनट जो है इसको ठीक है ओपन करना होगा, तो जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से जो है वो हमारा जो फ्रंट बोनट है वो खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हमारा फ्रंट बोनट है वो कुछ इस तरह से खुल गया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम जो है वो यहाँ से इसके जो कनेक्टर्स हैं उसको निकाल लेते हैं ताकि आसानी से जो है हम इसको फिट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये जो हेडलाइट का जो असेंबली था वो निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद ये जो है हमें जो है यहाँ से इसकी जो रबर की एक पैकिंग लगी होती है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जा पाए, इसको आराम से निकाल लेना है। बस ऐसे आपको इसको हल्का सा जो है वो बाहर की तरफ खींचना है। ठीक है, ये जो है वो आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है इसकी इस लॉक जो है वो लगी हुई है। ये सबसे पहले जो हम अपना बल्ब जो है उसको लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम निकालेंगे ना तो इसके बाद बहुत ज़्यादा जो है धूल मिट्टी इसके अंदर जाने के चांसेस रहते हैं, तो हम नहीं चाहते इसके अंदर धूल मिट्टी जाए। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं पहले जो है वो हम यहाँ से स्प्रिंग को प्रेस करिए। ठीक है, और ये ऐसे निकल जाएगा यहाँ से जो बल्ब है। ठीक है, इसको आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, निकालने के बाद दिखता है इस तरह से, इसको बस यहाँ पे आपको रख करके फिट कर देना है, ये आसानी से बैठ जाएगा। और फिर यहाँ से आप जो है वो इसके जो लॉक है उसको बस ऐसे प्रेस करके छोड़ दीजिए, बस ये जो है वो आपका पूरी तरह से यहाँ पे लॉक हो गया। अब ये जो आपका जो रबर का जो पैकिंग था उसको तो वापस यहाँ पे जैसे आपने निकाला था वैसे ही आप वापस से यहाँ पे ला करके प्रॉपर जो है वो फिट कर दीजिए, ताकि इसके अंदर जो है वो कोई भी चीज़ बाहर से जो है वो एंटर ना कर पाए। ठीक है, इसको अच्छे से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना धूल मिट्टी आपके हेडलाइट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर फिटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है वो अच्छे से चेक कर लीजिए कि पूरी तरह से ये हो गया है कि नहीं। ठीक है, पूरी तरह से ये फिट हो चुका है, और वापस ये जो आपका कनेक्टर जो था उसको यहाँ पे आप लगा दीजिए।
ठीक है। ये जो है वो पूरी तरह से तो परफेक्ट जो है वो लग चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग वापस से कस देते हैं, तो वापस से हम लोग लगा करके और फिर आपको जो है वो इसका रिस्पॉन्स दिखाते हैं किस तरह से जो है वो ये आपका लाइट का थ्रू है वो हम आपको दिखाएंगे, दिन में भी दिखाएंगे, रात को भी जो है हम इसकी लाइट का थ्रू अच्छे से चेक करके दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा इसके रिस्पॉन्स को जानने के लिए। तो ये जो है आप देख सकते हैं इसका जो है वो हेडलाइट काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो है वो इसका हाई बीम है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं लो बीम हाई बीम, ठीक है। हाई बीम जो है इसका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि 45 वाट का मिलता है आपको, और लो बीम जो है वो 40 वाट का मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दिन में तो काफ़ी अच्छे ब्राइट दिख रहे हैं, हम आपको रात को भी जो है वो आपको अच्छे से चेक करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, मैं इसको लेकर के आ चुका हूँ नाइट में टेस्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसकी हाई बीम है और ये जो है वो लो बीम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की जो है इसकी लाइटिंग आ रही है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी जो है वो ब्राइट लाइट आ रहा है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो चुका है, ठीक है। लो बीम जो है वो उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, हल्का सा ही डिफरेंस मिलेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा 5 वाट का एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, ठीक है। पहले भी 35 आता था और इसका लो बीम जो है वो 35 की जगह पे 40 वाट का है, पर इसका जो हाई बीम है वो 45 वाट है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिन के उजाले की तरह हो जा रहा है, ठीक है। और इसका लाइट थ्रो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको जो है वो अपने बाइक के ऊपर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी 30-35 वाट वाली कोई भी बाइक होगी उसके ऊपर जो है वो आप इसको अप्लाई कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए हम जो है वो आपको ड्राइव करके भी अब दिखा दे रहे हैं कि इसकी जो लाइट का थ्रो है वो किस तरह का, आपको अगर रात में ड्राइव करते हैं तो आपको किस तरह की जो है वो लाइट मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट है कुछ इस तरीके का आपको देखने की मिलती है, ठीक है। देख रहे हैं ये जो है वो बिल्कुल ही एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई कार वगैरह की लाइट वगैरह का थ्रो है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये सिंगल थ्रो की तरह थोड़ी सी फैली हुई लाइट इसके अंदर आ रही है, ठीक है। अब देख रहे हैं हाई बीम पे भी जो है वो इसकी जो लाइट है साइड में भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर रखा है और बीच में सेंटर पे भी आप देख सकते हैं फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लो बीम के लिए आपको यूज़ करना है तो मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं आपको मिलेगा। अगर आपको स्ट्रीट में ड्राइव करना चाहते हैं तो मतलब इस पर आपको अपग्रेड करना ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल नहीं मिलेगा, बस हल्का सा 19-20 का आपको अंतर मिलेगा। पर अगर आपको हाईवे वगैरह की रन है, ठीक है, जहाँ पर आप हाई बीम का यूज़ ज़्यादा करना है आपको, तो वहाँ के लिए आप जो है इस बल्ब को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेस्ट जो है वो यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि आपको देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है वो बिल्कुल दिन के उजाले की तरह जो है इसने लाइट पूरी फैला रखी है। देख सकते हैं आपके सामने जो है मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, रात में जो है वो आपके इसके अलावा और कोई भी जो है वो लाइट नहीं है, जो भी लाइट है वो इसी बाइक की आपको लाइट दिख रही होगी, ठीक है। आगे पीछे कोई भी गाड़ी दूसरी नहीं है, सारा जो है वो लाइट इसी का है। और आपको देख पा रहे होंगे अच्छे से कि इसका जो लाइट का थ्रो है वो किस तरीके का लाइट का जो थ्रो आ रहा है, ठीक है। अब मैं ड्राइव करके अच्छे से आज दिखा दे रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं इस लाइट पे अपग्रेड करना, ठीक है, जो कि फोनिक्स का है 40 और हाई बीम के लिए जो है वो आपको 45 वाट मिलता है और लो बीम के लिए जो है वो 40 वाट इसमें मिलता है। तो आपके पास कोई भी स्प्लेंडर हो गई या फिर 100 या 110 या 125 सीसी की कोई भी बाइक जो है, आप उसके ऊपर जो है वो इस बल्ब को बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो है वो अच्छा पहले के मुकाबले जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा जो कि पहले थोड़ी सी कम उसकी जो लाइट हुआ करती है, ठीक है। तो LED वगैरह की बजाय आप इस पर ज़्यादा अपग्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि LED वगैरह में भी अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप नोटिस करेंगे ठंडी के समय में वो जो बल्ब है वो ज़्यादा आपको यूज़फुल नहीं होता है, काफ़ी धुंधला सा हो जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, उम्मीद मुझे लगता है आपको जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो चुके होंगे कि आपको इस बल्ब पे अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है वो आपको कोई भी परेशानी है, ठीक है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। मैं सारे आंसर्स पढ़ूंगा, ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन कोई होगा वो पूछिए या फिर जो भी आपको जो अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।